खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के विकास खंड लैलुंगा से है, जहां पर ग्राम पंचायत बहामा के सरपंच सचिव की मनमानी इन दिनों चरम पर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण अंचलों में लगातार विकास कार्यों की छड़ी लगाकर छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया जा रहा है, परंतु ग्राम पंचायत बहामा में ठीक इसके विपरीत मुख्यमंत्री के सपनों को चकनाचूर कर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को ठेंगा दिखाकर सरपंच सचिव द्वारा मनमानी कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। अगर हम बात करें शौचालय की, तो सैकड़ों हितग्राहियों का शौचालय को बिना बनाए ही कई लाख रुपयों का आहरण कर गबन किया गया है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना शौचालय योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण अंचल के लोगों को खुले में शौच न जाना पड़े, जबकि खुले में शौच मुक्त बनाना था। स्वच्छ भारत मिशन की राशि को हितग्राहियों के घरों में शौचालय का निर्माण कराए बिना ही लाखों रुपयों को सरपंच और सचिव के द्वारा निकाल कर दबा दिया गया। शौचालय न होने के कारण ग्राम पंचायत बहामा की सैकड़ों ग्रामीण सरपंच सचिव तथा जनपद पंचायत लैलुंगा के संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण बहामा के सर्वाधिक ग्रामीणों को सड़क किनारे और तालाब के मेड़ पर खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका पटेल है। राधिका जी, क्या बताइए शौचालय के बारे में, क्या बोल रहे थे? शौचालय हम लोग यहाँ नहीं बना है। अच्छा। और बना है वो भी टूट फूट गया है। अच्छा, उसमें जाने बनता है कि नहीं बनता है? उसमें कहाँ से जाने के लिए बनेगा अगर टूट गया है तो, और उसमें पानी भी नहीं है, यहाँ तो पानी का समस्या है, तो हम लोग कहाँ से शौचालय जाएंगे? ऐसे कैसे करते हैं, कहाँ जाते? बाहर। कितना परेशानी है? बहुत परेशानी है। ग्राम पंचायत बहामा के ग्रामीण मूलभूत योजनाओं एवं 14वें तथा 15वें वित्त योजना की राशि में भी भारी भ्रष्टाचार किया गया है। यहां के ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का सही ढंग से लाभ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बहामा के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यकीन नहीं है तो आप स्वयं ग्राम पंचायत बहामा जाकर खुली आँखों से देख सकते हैं कि यहां के खुले भाले आदिवासी ग्रामीणों के पेट में सरपंच सचिव द्वारा डाका डाला जा रहा है। पानी टंकी है बना दिए हैं, और पानी बस्ती में भी नहीं जा रहे हैं, ना टंकी में भी नहीं आ रहे हैं। और सचिव यहाँ नहीं रहता है, उसके घर में रहता है। मकान टैक्स कितना कितना दिए? 200 रुपया मकान टैक्स 200 रुपया दिए हैं। 300 भी लेते हैं। नहीं आ रहा है पानी, कितना परेशानी, बहुत परेशानी है। वहीं आपको बता दें कि सचिव निवास भवन को सचिव ने लैलुंगा के नाई को किराए पर दे दिया है। पंचायत सचिव सुरेंद्री राठिया की मनमानी इन दिनों इस कदर चरम पर है कि बहामा गांव के ग्रामीणों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत बहामा की पंचायत सचिव के गाँव में न रहने से लोगों को आवश्यक कार्य नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत बहामा की ग्राम पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण गांव में ग्रामीण को जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि गांव में 50 से ज्यादा बोरिंग भी हैं, फिर भी ढोड़ी की गंदी पानी ग्रामीण पीने को मजबूर हैं। गाँव वाले 1 किलोमीटर से ढोड़ी से पानी निकाल कर पीने को मजबूर हैं, जबकि सरपंच और सचिव द्वारा लाखों रुपए बोरिंग मरम्मत हेतु पैसा निकाला गया है। शासन की पैसा को सरपंच और सचिव द्वारा निकाल कर हजम कर लिया जाता है। इसके साथ ही 2021-22 में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के नाम से 46,700 रुपये का आहरण किया गया है। ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच इतने भ्रष्टाचार में लीन हो गए कि छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री की आड़ में राशि आहरण कर रहे हैं। वही गाँव वालों की माने तो सचिव द्वारा हर राशन कार्ड से करीबन 200 से 300 तक मकान पानी बिजली का टैक्स वसूला जा रहा है। अगर कोई टैक्स देने में असमर्थ है तो उस परिवार को पीडीएस से चावल राशन देने से सख्त मना कर दिया जाता है। गांव वाले सचिव के इस मनमाने रवैये से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। सचिव के आश्वासन के बाद कोठा निर्माण कार्य कराया गया, जिसका पैसा अभी तक नहीं मिला। पैसा न मिलने की स्थिति में दुकानदार घर की गाड़ी ले आया, जो कि बहुत बड़ी समस्या है।
पानी टंकी है बना दिए हैं और पानी बस्ती में भी नहीं जा रहे ना टंकी में भी नहीं आ रहे। और सचिव यहाँ नहीं रहता है, उसके घर में रहता है। मकान टैक्स कितना कितना दिए? 200 रुपया मकान टैक्स 200 रुपया दिए हैं। 300 भी लेते हैं, 300 लेते हैं एपीएल कार्ड में। एपीएल कार्ड में 300 नहीं आ रहा है पानी। कितना परेशानी है? बहुत परेशानी है। क्या नाम है? उर्मिला पटेल। बताओ कहाँ बनवाते हैं? सचिव आके चूना मार दी इसकी, तुम कोठा चालू रेडी करो, काम चालू करो कि ही। आपके कॉन्टेक्ट में आदमी है तो माल गिरा लो कि ही। तो मैं गिरा लें सेट के यहाँ ले, और गिरा के आप काम चालू करें। आके दर खोदे के बाद में फोटो लेगीस, फिर 3 ईंटा उठे के बाद में लेगीस, फिर आओ पूरा होए के बाद में, एक बार ढलाई के बाद में। और 3 साल हो गए मोला पैसा नहीं मिली से। अब मैं खरीदी माल उठा के मैं अब कोठा तैयार करे हूँ। और सेठ जी है नहीं दे थे, नहीं पटा था उसका के 3 साल हो गए कहके मोर पति के गाड़ी लग लेगी से। तो पैसा निकल गई से? पैसा तो निकल गई से बोल थे। तो मोला नहीं मिली से? नहीं मिली से, 1 रुपया नहीं मिली से। नाम है आपका? असरिता लकड़ा। कौन गाँव? खेतारी पारा, बहमा खेतारी पारा। अच्छा असरिता, क्या समस्या है बताओ? समस्या है? हाँ बताइए। शौचालय बना है कि बना है? नहीं बना है। क्या नहीं बना है? प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है, शौचालय नहीं बना है। अच्छा। और पानी पहुँचता है कि नहीं? नहीं पहुँचता है। क्या नहीं पहुँचता है? पानी। अच्छा पहुँचता कि नहीं? नहीं। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी है पानी के लिए। अच्छा। सचिव यहाँ रहती है कि नहीं रहती? नहीं रहती है। कहाँ रहती है? अपने घर में, बूढ़ा डांड। बूढ़ा डांड। अच्छा। तो आप लोग कितना परेशानी होता है? सचिव यहाँ नहीं रहती है? बहुत परेशानी है। ठीक। नाम है आपका? मेरा नाम राधिका पटेल। राधिका जी, क्या कुछ समस्या बताओ, पानी की समस्या को लेकर कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं? हम लोग पानी ढोड़ी से लाते हैं। अच्छा। कितना दूर है? बहुत दूर है, वहाँ से 1 किलोमीटर है, वहाँ से हम लोग ढो के लाते हैं। बहुत समस्या है हम लोग के यहाँ पानी का। अच्छा। तो आप लोग जल टैक्स नहीं देते हैं पंचायत को? देते हैं। अच्छा। उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं करते पंचायत को? नहीं। अच्छा। मेरा नाम सतसी पटेल है, ग्राम बहमा। सतसी, क्या बोलना चाहते हैं? हमारा सोसाइटी हम लोग अभी चला रहे हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं है और खिड़की दरवाज़ा कुछ भी उसमें अच्छा से नहीं है। पानी का व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, न बाथरूम, और सोसाइटी को मरम्मत चाहिए हम लोगों को। ये बताइए आप सचिव क्या सहयोग करते हैं आप लोग का? अभी तक कुछ नहीं की है। कौन? सुरेंद्री। अच्छा, कौन है? सुरेंद्री राठिया सचिव है। क्या करती है? वो तो सचिव है, ग्राम का बूढ़ा डार की है। कौन सा जिला है? जिला रायगढ़, जसपुर जिला है। क्या नाम है आपका? असरिता नाग। कहाँ के? बहमा। असरिता, क्या समस्या है बताओ आप? हमारे यहाँ पानी की समस्या है, हम लोग ढोड़ी का पानी पीते हैं और बहुत दूर से यानी कि लेने के लिए जाना पड़ता है और पैदल लाना पड़ता है। कितना परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी। आसपास में शौचालय बना है कि नहीं बताएंगे? शौचालय बना है, बाकी पानी का समस्या है। उसमें जाने बनता है कि नहीं बनता है? जाने बनता है, बाकी पानी का समस्या है, फिर दिक्कत है उतना दूर से, क्योंकि पानी लाते हैं ना, फिर पीने के लिए तो बहुत मुश्किल से लाते हैं, तो कहाँ से बाथरूम के लिए लाएंगे। रायगढ़ के लैलुंगा से चंद्रशेखर जायसवाल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।